हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? ऐसा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं आ गई हूँ अपनी न्यू वीडियो में। तो आज मैंने ये बनाया है, ये देखिए मशीन का कवर, ये बन के तैयार हो चुका है। ये हम इसके कॉर्नर निकालने के लिए कैची को बंद करके अब ऐसे। जब घर में सिलाई मशीन होती हैं तो उनकी सेफ्टी के लिए कवर बनाना भी ज़रूरी होता है। तो ये देखिए, ये कपड़ा था मैंने, तो इस कपड़े का मैंने सोचा ये मोटा कपड़ा है तो क्यों ना सिलाई का कवर बना लिया जाए। तो पहले मैं अपनी सिलाई मशीन को देख रही हूँ और फिर मैं इसका साइज लूँगी और फिर उसके बाद हम कपड़ा काटेंगे और ये मेरा कवर बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसे बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, सिर्फ दो सिलाई की ज़रूरत पड़ती है और ये कवर बनके तैयार हो जाता है। तो चलो चलते हैं, ये मैंने कैसे बनाया है। तो ये देखिए, बहुत सारे ये पुराने कपड़े रखे हैं तो मैं ये देख रही हूँ कि पहले तो किस में से ये कवर बनाया जाए। तो ये मुझे कपड़ा मिल गया है जिससे मैंने ये कवर बनाया है। तो ये देखिए मेरी मशीन है, तो मेरी मशीन की लंबाई 20 इंच लंबी है और चौड़ाई में 10 इंच है और ऊंचाई उसकी मेरी 12 इंच बैठेगी। तो उसी हिसाब का ये मेरा कपड़ा है, मुझे इसे काटना नहीं पड़ा और इतना ही ये कपड़ा है। तो ये जो है चावल के बैग हैं और इनका भी कुछ बनाने की सोच रही हूँ। तो पहले मैं सिलाई की मशीन का कवर बना रही हूँ। तो ये जो धागे हैं पहले हम इन्हें निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद मेरी तो दो सिलाई ही लगती, मैं तीन सिलाई से ही बता रही हूँ। तो मैं इधर से काट कर सिलाई लगाऊंगी। तो ये देखिए, नहीं तो मुझे सिर्फ साइड से लगानी पड़ती और ऊपर से लगानी पड़ती, दो सिलाई से ही ये कवर बन के तैयार हो जाता। तो ये देखिए, मैं इसकी तीन सिलाई लगा कर और कवर बना दूंगी। सिंपल तरीके से ये बन जाएगा। जब हम मोटे कपड़े पर सिलाई लगाते हैं तो ऐसे बटन लगाकर छोड़ देना चाहिए और मशीन आगे बढ़ जाएगी, बटन पीछे निकल जाता है। इससे क्या होता है, सिलाई लगाने में आसानी पड़ती है और बहुत अच्छी तरीके से सिलाई लग जाती है। तो ये छोटी छोटी टिप्स आप याद रखा करें। ये देखिए, मेरा मशीन का कवर बनकर तैयार हो चुका है। सिर्फ तीन सिलाई से ही ये बनकर तैयार हो चुका है और देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताना। ये देखिए, नेक्स्ट टिप्स में मैं आपको बताऊंगी। ये जो है 5 kg चावल का बैग है और ये बैग बहुत ही सुंदर था, तो मैंने सोचा इसका क्यों ना कुछ बना लिया जाए। तो ये बैग बहुत ही सुंदर है तो मैं सोच रही हूँ इसका मैं क्या बनाऊँ। तो ये मैंने पहले तो चारों तरफ से इसकी सिलाई लगा ली है, ये देखिए, और फिर मैं इस लेस का प्रयोग कर रही हूँ। इसके चारों तरफ मैं इस लेस को लगाऊंगी जिससे ये देखने में और भी सुंदर लगेगा। तो देखिए ये क्या बनकर तैयार होता है, बहुत ही यूजफुल वीडियो है, प्लीज़ ध्यान से देखना, आगे चलकर आपको बहुत ही सस्पेंस मिलने वाला है। Thank you.
साइड से मेरी लेस लग चुकी है और दूसरी साइड से मैं फिर इसे लगा रही हूँ। लेस लगाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो ये देखिए ऐसे पहले सारी सलवटों को निकाल कर सिलाई लगाएं, जिससे कि ये देखने में प्यारा लगे और सिलाई भी अच्छी होती है। तो हम सिलाई करते समय छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो जिससे कि हमारी सिलाई और भी सुंदर लगती है। पहले मैंने इसमें चारों तरफ सिलाई लगाई थी और फिर मैंने इसमें खाने खाने से बना दिए हैं सिलाई के, और जिससे ये बहुत ही सुंदर लग रहा है और लेस भी चारों तरफ मेरी लगकर तैयार हो चुकी है, जिससे कि ये और भी सुंदर लगने लगा है। तो हम इसका प्रयोग अपनी किचन में करने वाले हैं, और किचन में हम इसका प्रयोग कहाँ करने वाले हैं तो बने रहिए मेरी वीडियो में और देखना मैं इसे कहाँ लगाती हूँ। तो जैसे कि हम बर्तन साफ़ करते हैं तो उसमें से जो पानी निकलता है, तो पहले हम इन बर्तनों को इस पे रख दिया करेंगे, तो जिससे कि इसका पानी ये सोख लिया करेगा और हमारी किचन गंदी नहीं होगी और साफ़ भी रहेगी, पानी इसके अंदर चला जाएगा और ये धोने में भी बहुत ही ईजी है। ये आइडिया मेरा आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।